नमस्कार मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो एनआरआई बिजनेस के लिए है। किस तरह से कुछ साथियों ने एक ही पॉलिसी से एमडीआरटी कर लिया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एमडीआरटी क्वालिफाई करते हैं, सीओटी क्वालिफाई करते हैं, टीओटी क्वालिफाई करते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 2021 में शानदार बिजनेस किया, एमडीआरटी क्वालिफाई किए, सीओटी क्वालिफाई किए, टीओटी क्वालिफाई किए, और जो आज तक बिजनेस सोच रहे थे उतना और उससे ज्यादा बिजनेस किया। उन सभी को खूब खूब बधाई। आज के इस सेशन में दोस्तों आप देखिएगा, आपका जो अर्निंग है, आपका जो व्यू पॉइंट है आने वाले समय में वो बदल जाएगा। सो टू द पॉइंट, आज का जो सेशन रहेगा क्रिस्प रहेगा और सीधा है दोस्तों, मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं। एनआरआई की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, आज उसका ये सेशन है जिसमें कुछ दोस्तों ने एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी किया। दोस्तों उसके पीछे का थिंकिंग क्या है, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब मैं आज आपके लिए सेशन में लाऊंगा। इंट्रोडक्शन दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, 26 साल का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, एनआरआई बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड विथ अ गुड क्वालिफिकेशन। दोस्तों मेरा मिशन है नॉर्मल एडवाइजर को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाना और कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर बनाना। इस मिशन से बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे, बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने शानदार बिजनेस किया, कंपनीज में बिजनेस किया, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू किया, एनआरआई के थ्रू किया। सो इस मिशन में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज के इस 90 मिनट के सेशन में, आज का जो ये फोकस्ड सेशन रहेगा उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कौन से 3 सेगमेंट हैं जो आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं, कौन से 3 सेगमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी इनकम फास्ट ग्रो कर सकती है, कौन से 4 बेनिफिट्स हैं एनआरआई बिजनेस करने के लिए, उसके बाद कोविड के समय में जहां पर पूरी दुनिया में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमीज में प्रॉब्लम्स हैं, देश में प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रीज के जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इश्यूज हैं, उस परिस्थिति में एनआरआई का बिजनेस के लिए आपके लिए स्कोप क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से हो सकता है, क्या आप भी कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर दोस्तों चर्चा होगी। उसके साथ एनआरआई मेल ऑर्डर बिजनेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से आपको फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले या तो एनआरआई इंडिया में आता था तब बिजनेस होता था, या एडवाइजर इंडिया के बाहर जाता था तब बिजनेस होता था। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बिजनेस कर सकते हैं और एक पॉलिसी में एमडीआरटी, यस, एक एनआरआई पॉलिसी में एमडीआरटी जिन भी दोस्तों ने किया वो किस रणनीति, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू किया, आज हम उस पर बात करेंगे। माइंडसेट क्या था, क्या सोच के बाद यह हो पाया, व्हाट वर द की रीजंस, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यह 90 मिनट के अंदर इन 5 टॉपिक्स को मैं कवर अप करने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी नोट्स आप लिख के रखिएगा और लास्ट के 5 मिनट मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा। लास्ट 5 मिनट्स आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन नोट्स आप लिखते रहिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिंदगी में जब आप लिखते रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीजें
स्टोर जल्दी होती है, याद जल्दी रहता है आपको। दोस्तों सबसे पहले हमारे उन सभी 127 अभिकर्ता मित्र जिन्होंने हमारे कोर्स के थ्रू दुबई, इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपींस, कनाडा, यूके, सिंगापुर और बहुत सारे देशों में जो अपना बिजनेस किया, अपना परचम लहराया, उन सभी दोस्तों को खूब खूब बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने एक बार भी कभी भी एनआरआई बिजनेस नहीं किया था, उन्होंने भी एनआरआई बिजनेस किया, उन सभी को खूब खूब बधाई। 103 पहले 103 अभी 127 मित्र हो चुके हैं जिन्होंने यह एनआरआई बिजनेस किया। एंड हाउ दे डिड इट, आपके मन में सवाल आता होगा कैसे किया सर, कैसे किया? तो आज मैं उनके कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो नॉन रेसिडेंट इंडियन है कौन, एनआरआई किसको कहा जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कोई दोस्त ने सेशन अटेंड कर लिया लेकिन लास्ट तक उसको ये ध्यान नहीं होता कि एनआरआई मतलब क्या, तो उनके लिए भी यह सेशन है। नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भी इंडिया में, भारत में रहने वाला भारत का नागरिक हो और वो किसी भी कारणवश आउट ऑफ इंडिया जाके रहता हो, वहां काम करता हो, बिजनेस करता हो, कुछ भी करता हो, वहां से इनकम कमाता है नहीं कमाता अलग चीज है, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया गया है, जिसके पूर्वज इंडियंस थे, उसे नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक दूसरी कैटेगरी आती है FNIO, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन। फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन जो यहां से बाहर गए थे और वहीं पर बस गए, वहां का उनको नेशनलिटी मिल गया या PR मिल गया या ग्रीन कार्ड मिल गया, वहां का सिटीजनशिप मिल गया, बट उनके जो पूर्वज थे वो इंडियंस थे, या तो उनके माँ बाप, या तो उनके दादा दादी, या तो उनके परदादा परदादी इंडियंस थे, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट था, उन्हें कहा जाता है फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन। और FNIO को ही जब OCI कार्ड दिया जाता है तो तब उन्हें कहा जाता है दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। या तीन टर्मिनोलॉजी अगर आपके मुंह पे होंगी तो जब भी आप किसी एनआरआई से बात करते होते हैं तो आपको पता चलता है, क्योंकि आपके मन में सिर्फ एनआरआई है और सामने वाले ने बोल दिया है मैं OCI कार्ड होल्डर, मेरे पास OCI कार्ड है। अब आप सोचते हो ये OCI का मतलब क्या भाई, तो इसीलिए आज के सेशन का सबसे पहला लेसन आपको मिला एनआरआई कौन है, FNIO कौन है और OCI कौन है। अगर ये तीन चीज आपको आ गई तो जब भी क्या होता है, जब आप एनआरआई से बात करते हैं, एनआरआई के रिलेटिव से बात करते हैं, तो इन शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, फिर एनआरई अकाउंट का प्रयोग होता है, एनआरओ अकाउंट का प्रयोग होता है, FCNR अकाउंट का प्रयोग होता है। तो जब आप उनकी भाषा जानते हैं, उनके शब्द को आप पहचानते हैं, तब आपका जो उनके साथ मेल मिलाप होता है, कनेक्टिविटी रहती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो जल्दी मैच होती है। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक एडवाइजर थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत ही सुंदर और शानदार काम करते थे, बढ़िया काम करते थे। अच्छा दोस्तों आवाज आ रहा है ना, कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि नहीं आवाज नहीं आ रहा है, सो प्लीज से यस, अगर आवाज आ रहा है तो जस्ट आप लिख सकते हैं यस, चैट में मुझे यहां पर दिखेगा यस, फैंटास्टिक, धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी चैट हम पढ़ते हैं और किसी ने बताया आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता किसी का भी सेशन में सो टेक्निकली इट शुड बी साउंड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर आंसरिंग। सो एक मित्र जो बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत ही अच्छा काम करते थे, वो एक बार आके मुझे मिले, बोले सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आज परेशान हूं, मैं आज नाराज हूं, मुझे दुख है बहुत। मतलब भाई क्या हुआ, आओ बैठो चाय वाय पियो, बताओ क्या हुआ। चाय पीते उसने बताया सर मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। क्या हो गया
सर 4,86,000, 4,86,000 का प्रीमियम मेरे हाथ से चला गया। वो तो ठीक है, मेरी इज्जत की धजियां उड़ गई, वो अलग। मेरे लिए उस कस्टमर के वहां पर जाने के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। बोला भाई हुआ क्या? बोले सर एक एनआरआई क्लाइंट को मैंने बहुत बड़ा प्रपोजल कैनवास किया, उससे पैसे लेके आया, चेक भर दिया, सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, और अब डिसीशन मुझे ये पता चल रहा है कि उसको ये नहीं मिल सकता प्लान, उसको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। ये तो सर मुझे ये इंश्योरेंस उसको देना है लेकिन नहीं मिल सकता। ये 4,86,000 का मैं चेक उसको वापस दे रहा हूं, वो तो ठीक है, चार्जेस मेरे सिर पे आए, मेडिकल के खर्चे मेरे सिर पे आए, बाकी का जो खर्चा हो उसका क्या? तो मुझे नफा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो गया। दोस्तों आप समझ सकते हैं 5 लाख का प्रीमियम की इनकम एडवाइजर को कितनी हो सकती है। अगर रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, 5 लाख का रेगुलर प्रीमियम का चेक अगर वापस देना पड़े तो कैसी फीलिंग होती है वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि डायरेक्ट पिंच यहां पर होता है कि कस्टमर गया, पैसे गए, फ्यूचर का अर्निंग्स चला गया। सो ये क्यों हुआ दोस्तों? उन्होंने अंडरराइटिंग को पढ़े बगैर, समझे बगैर कस्टमर को प्रपोज किया, हालांकि कस्टमर का जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से जिस देश में वो रह रहा था वहां इंश्योरेंस नहीं दे सकते, कस्टमर चाहते हुए भी वो इंश्योरेंस नहीं ले पाया, और मुझे भी काफी दुख हुआ। सो इस स्टोरी से हम दोस्तों पहला लेसन ये सीखते हैं कि छोटी सी इंफॉर्मेशन भी, छोटा सा ज्ञान भी आपको इनकम दिलवा सकता है, और छोटा सा ज्ञान भी अज्ञान भी आपके यहां तक आया हुआ बिजनेस चला जाता है। इट मींस अगर ये एडवाइजर मेरे दोस्त को पता रहता कि इसको हम कौन सा इंश्योरेंस दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, किस परिस्थिति में दे सकते हैं, तो शायद इसकी इनकम भी होती, इसका कस्टमर भी संभल जाता, और काम हमेशा के लिए उस क्लाइंट के साथ हो पाता। सो आप इस चीज से एक एक अपने अंदर गांठ बांध लीजिएगा, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। आज का जो युग है वो ज्ञान का है, आज का जो युग है समझदारी का है। आज आप देख सकते हैं जितने भी लोग बड़े हैं आगे, आज टेक्नोलॉजी और नॉलेज ये दो चीज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अगर आप दो क्वालिटी चेक करेंगे तो एक होगी टेक्नोलॉजी और दूसरा होगा ज्ञान। जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस ज्ञान को आज तक इतने सालों में नहीं मिला था जो अब मिला है। इस परिस्थिति में ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जो सम्मान मिला है वो इससे पहले कभी नहीं मिला था। इसीलिए दोस्तों मिस्टर वॉरेन बफेट का ये सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं पर कर सकते हैं तो वो खुद पर। दुनिया में सबसे अच्छी बेस्ट रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो खुद में। इसको आप ध्यान से समझिए, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अपने आप में इन्वेस्ट करता है, जिंदगी भर कमाता है। एडवोकेट अपने आप में इन्वेस्ट करता है, जिंदगी भर कमाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में इन्वेस्ट करता है, जिंदगी भर कमाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट CFA, CFP, CWM ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिंदगी भर कमाते हैं। सो इसी संदर्भ में मैं वॉरेन बफेट साहब का ये स्टेटमेंट लेना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। इसको यहां पर चिपका के रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ जो भी वक्त है, पैसा है, उससे बेटर कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। एनआरआई बिजनेस दोस्तों, एनआरआई बिजनेस में चैलेंजेस क्या आती है?
सर, मैं एनआरआई बिजनेस तो करना चाहता हूं, पर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, पर मैं प्रोस्पेक्ट कहां से लाऊं? सर, एनआरआई बिजनेस मैं करना चाहता हूं, नए लोग कहां से लाऊं, किसको ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? सर, मैं एनआरआई बिजनेस करना चाहता हूं, पर मेरे को यह भी तो जानना पड़ेगा कि एनआरआई को आखिर चाहिए क्या, एनआरआई को आखिर चाहिए क्या? उनको मैं बिजनेस करना चाहता हूं, उनके साथ इंश्योरेंस की डील करना चाहता हूं, उनको रिस्क प्रोटेक्शन देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको दूं क्या? अंडरराइटिंग के इश्यूज, अंडरराइटिंग का इश्यू जो मैंने आपको एक बताया, हमारे एक साथी ने इतनी अच्छी इनकम खो दी, सो मुझे काफी दुख हुआ। सो इसका मतलब ये है कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ये जो हक के पैसे थे वो चले गए, एडवाइजर के साथ हमें भी काफी दुख हुआ। मेल ऑर्डर बिजनेस, पहले दोस्तों मेल ऑर्डर बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें थी, पहले मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं होता था, आज मेल ऑर्डर बिजनेस 121 देशों में आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। आप यहां बैठे बैठे मेल ऑर्डर बिजनेस से 121 देशों में काम कर सकते हैं। दूसरी चैलेंज आती है सर, टैक्सेशन। टैक्सेशन के इश्यूज रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में टैक्सेशन के इश्यूज अलग रहते हैं, इंडिया में टैक्सेशन के इश्यूज अलग रहते हैं, प्लस एनआरआई आपसे टैक्सेशन के बारे में जानकारी चाहता है। मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, मैच्योरिटी कैसे मिलेगी, उस देश में पैसे किस तरह से भेजे जा सकते हैं, यह कई बार आपको चैलेंजेस सामने फेस आती है जब भी आप एनआरआई का बिजनेस करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक और चैलेंज आपके सामने आती है कि सर, चेक कौन से अकाउंट से ले, एनआरई से ले, एनआरओ से ले, एफसीएनआर से ले सकते हैं, फॉरेन का चेक ले सकते हैं, फॉरेन से डायरेक्ट पैसे आ सकते हैं कि नहीं, कस्टमर को जब हम पैसे देंगे तो क्या वो यहां से पैसे बाहर ले जा सकता है कि नहीं, या उसको यहीं पे रखने पड़ेंगे, या डॉलर्स में उसको वापस दे सकते हैं। लॉट ऑफ इश्यूज आर फेस्ड, आपके मन में चैलेंजेस के क्वेश्चंस आते होंगे, राइट और रॉन्ग, यह सब एनआरआई बिजनेस की चैलेंजेस हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। कौन से तीन सेगमेंट है, व्हाट आर द थ्री सेगमेंट्स, किस कौन से तीन सेगमेंट हैं जिसमें आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, ऐसे कौन से तीन सेगमेंट हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको इन तीन सेगमेंट को छोड़ना ही नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मन में रखिएगा, एक सवाल पूछ रहा हूं, मन में रखिएगा, टीओटी टीओटी क्यों बनते हैं? जो टीओटी एडवाइजर है वो टीओटी कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं? व्हाट इज देयर वन की इंग्रेडिएंट? बहुत सारी क्वालिटीज है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से टीओटी एडवाइजर टीओटी बनता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, आप जानना चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीओटी टीओटी क्यों बनता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यह तीन चीजें टीओटी, जो टीओटी बनते हैं उनकी पहली क्वालिटी, दे फोकस ऑन एचएनआई सेगमेंट। कभी भी आपने ऐसा एक भी टीओटी आज तक नहीं देखा होगा जो सिर्फ छोटी छोटी पॉलिसियों से टीओटी बना हो। टीओटी टीओटी इसीलिए बनता है क्योंकि टीओटी एचएनआई सेगमेंट पे फोकस करता है, पॉइंट वन। टीओटी टीओटी इसीलिए बनता है क्योंकि वो कॉरपोरेट सेगमेंट में काम करता है, और टीओटी टीओटी इसीलिए बनता है दोस्तों कि वो एनआरआई सेगमेंट में काम करता है। सोच के देखिएगा, एक की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारी और क्वालिटीज होंगी, बहुत सारे और रीजंस होंगे, लेकिन जो सबसे प्राइम रीजंस है, रिच कैन मेक यू रिच, अमीरी आपको अमीर बना सकता है। सो एच एन आई सेगमेंट इज अमीर सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट इज अमीर सेगमेंट, एनआरआई सेगमेंट इज अमीर सेगमेंट, इसी वजह से टीओटी टीओटी बनते हैं, क्योंकि ये तीन सेगमेंट को वो सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। क्या आप इन तीन सेगमेंट में काम करते हैं? क्या आप इन तीन सेगमेंट पे फोकस करते हैं? सोच के देखिएगा दोस्तों, ये मैं आज बहुत सारे सवाल आपके लिए भी छोड़ूंगा ताकि आप अपने आप को इस चीज में जवाब दे पाए।
यू ऑल्सो कैन डू एमडीआर टीसीओ टीटीओटी बाय एनआरआई बिजनेस। आपके मन में सवाल आता होगा, क्या सर मैं भी कर सकता हूं? 100% दोस्त, लिख के रख लो, आप भी कर सकते हो, आप भी करोगे, राइट? दूसरा, कौन से एनआरआई बिजनेस के बेनिफिट्स कौन से हैं? आज मैं आपको कुछ और भी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कैसे एडवाइजर ने एक पॉलिसी में एमडीआरटी कर लिया, एनआरआई की एक पॉलिसी में एमडीआरटी कर लिया, उसके भी मैं आपके साथ रीजंस और स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा। चार बेनिफिट्स एनआरआई बिजनेस के कौन से? पहला, हायर प्रीमियम साइज। पहली चीज आप देखिएगा दोस्तों, जब भी एनआरआई बिजनेस होता है तो टिकट साइज आपको छोटी नहीं मिलेगी। जो सेगमेंट में आप काम करते हैं उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना आपको इंश्योरेंस की टिकट साइज मिलेगी, प्रीमियम की टिकट साइज मिलेगी। जो प्रीमियम की साइज होगी वो नॉर्मल प्रीमियम से कई गुना ज्यादा होती है। ये पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरा बेनिफिट, जितने भी एनआरआई रहते हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो एवरेज इंडियन इनकम से कई ज्यादा होती है। सो उसको आप एक हायर सेगमेंट में मान सकते हैं, हायर इनकम ग्रुप में होता है। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, डाउन टू द अर्थ एग्जांपल बताता हूं। इंडिया में जो आदमी ड्राइवर कार चलाता है, कुछ भी चलाता है, वो जितना यहां कमाता है उससे 5 गुना, उससे 10 गुना, उससे 5 गुना, उससे 10 गुना वही सेम आदमी वही सेम काम करता है आउट ऑफ इंडिया, वो उतना कमाता है। फर्क दोस्तों करेंसी का आता है। दुबई में कमाता होगा तो दिरहम में कमाता होगा, यूरोप में कमाता होगा तो यूरो में कमाता होगा, लंदन में कमाता होगा तो पाउंड में कमाता होगा, और अगर अमेरिका में कमाता होगा तो डॉलर्स में कमाता होगा। सो वहां पर उनका एक ही फोकस होता है, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, क्योंकि यहां से इंडिया से कोई भी आदमी बाहर जाता है तो उसका एक ही फोकस होता है, अर्निंग। अच्छा, जो रेगुलर अच्छा कमाता है उसके प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, पैसा तो कमा रहा हूं, कहां कहां पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। हमको कई बार ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इजी है। नहीं दोस्त, इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आदमी ज्यादा कमाता है ना उसके लिए कमाना एक हुनर हो गया, इजी हो गया। कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, किसके थ्रू इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से देश में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए ये सब इश्यूज रहते हैं, राइट? सो हायर इनकम, उसके मैंने लॉजिक्स आपको बताया, हायर इनकम क्यों होती है एनआरआई की। इंटरनेशनल प्रेजेंस, एडवाइजर को यह फायदा होता है कि एनआरआई बिजनेस करने से उसका जो बिजनेस है बहुत सारे देशों में फैलता है, अक्रॉस द ज्योग्राफिकल टेरिटोरीज। और प्रोफेशनल ब्रांडिंग, एडवाइजर को ये चार फायदे होते हैं एनआरआई बिजनेस करने के लिए, हायर प्रीमियम टिकट साइज रहता है, हायर इनकम ग्रुप में बिजनेस बढ़ता है, अलग अलग देशों में बिजनेस बढ़ता है, और उसी की वजह से प्रोफेशनल ब्रांडिंग बढ़ती है उस एडवाइजर की। आपके मन में ये सवाल आता होगा, अरे यार क्या बात करते हो, आपके मन में ये 5 सवाल आते होंगे, आपके मन में ये थॉट प्रोसेस चलता होगा, 5 सवाल ये आपके मन में आते होंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं दोस्त। सबसे पहला आपके मन में सवाल आता होगा, सर कैन आई डू इट? उन्होंने तो चलो कर लिया, उसके मामा होंगे, काका होंगे, भाई होंगे, अंकल होंगे, बहुत पहचान होगी, क्या मैं कर सकता हूं, राइट? मैं तो किसी को भी नहीं जानता, क्या ये वाकई मेरे लिए है? मैं तो किसी को नहीं जानता, क्या मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए है? दूसरा, मैं ढूंढूंगा कैसे, एनआरआई को कैसे ढूंढूंगा, मैं बाहर तो जा नहीं रहा, उन तक मैं पहुंचूंगा कैसे, और हाउ आई कैन ओवरकम द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम्स।
ठीक है, चलो मैं कहीं से ढूंढ के आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई वहां से मैं किसी तक पहुंचा तो उसके प्रॉब्लम्स को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, उसके बहुत सारे सवाल अभी और भी आने वाले हैं दोस्तों। सो यू हैव नॉट फोकस्ड ऑन एनआरआई बिजनेस बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। यह सब चैलेंजेस, यह सब थिंकिंग, यह सब थॉट प्रोसेस की वजह से शायद शायद आपने आज तक एनआरआई बिजनेस पे फोकस नहीं किया। एम आई राइट? आज तक आपने एनआरआई बिजनेस करने की कोशिश नहीं की, चेष्टा नहीं की। एक हिडन थॉट प्रोसेस मन में अंदर जो चलता रहता है उसकी वजह से शायद 2021 में आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। ऐसा भी हो सकता है 2021 में बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे साथियों ने जबरदस्त काम किया, मस्त काम किया, जोरदार काम किया। और हाँ दोस्तों, 2021 में LIC ने इतिहास रचा, 19,000 MDRT बना के, 19,000 से ज्यादा MDRT बनाए, और उसमें दोस्तों आपका योगदान है। सो आपको भी खूब खूब बधाई, LIC को खूब खूब बधाई, शानदार शानदार काम किया। सो यू हैव नॉट फोकस्ड, यू हैव नॉट फोकस्ड ऑन एनआरआई बिजनेस, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे दोस्तों ने जबरदस्त काम किया, एक्सलेंट काम किया। डोंट वरी, यू कैन डू इट नाउ। चिंता मत करो, मौका अभी भी आपके लिए भी है। सबसे पहले दोस्तों आपको आज मैं गिफ्ट देने वाला हूं एक मस्त। यह जो नंबर है पहले आप लिख लीजिए, आपके डायरी में लिख लीजिए। ये दो नंबर आपसे रिक्वेस्ट है, ये दो नंबर आपके डायरी में दोस्तों लिख लीजिए। नाइन फोर टू सिक्स सेवन फोर थ्री टू फाइव टू, क्योंकि लास्ट में मैं ये रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि कोई कई साथी बोलते हैं सर वो नंबर आपने बताया था चैट में डालेंगे, फिर से बोलिए, यहां पर आपके सामने है 9426743252, 9428598252। ये मेरे नाम से आपके मोबाइल में सेव कर दीजिएगा दोस्तों। ये मेरे ऑफिस के दो नंबर है, सो आपको काम में आएंगे, लिख लीजिएगा। आज की गिफ्ट आपको इन दो नंबर्स पे से ही मिलने वाली है। एनआरआई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दोस्तों ईमेल के थ्रू। आज युग बदल रहा है, आज युग बदल रहा है। बहुत सारे साथी यहां से बैठे बैठे ईमेल पे कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं, कस्टमर को ईमेल से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, पूरा बिजनेस जीरो जीरो इंटरवेंशन के साथ ईमेल पे भी कंप्लीट हुआ है। यहां से मेल ऑर्डर बिजनेस किसे कहा जाता है, मेल ऑर्डर बिजनेस किसे कहा जाता है, जब एक एडवाइजर यहां से पूरे फॉर्म्स पूरे रिपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया भेजता है, कस्टमर इंडिया में नहीं आता दोस्तों, कस्टमर इंडिया में नहीं आता, कस्टमर अपने देश में बैठा हुआ है, एडवाइजर भी इंडिया के बाहर नहीं जाता। फॉर्म्स यहां से भेजे जाते हैं, पूरा प्रोसेस यहां से कंप्लीट होता है, डिजिटली पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहां से पूरा पेपर वर्क होके आ जाता है, और यहाँ नंबरिंग होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, वो पॉलिसीज इश्यू होती है, उसे कहा जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के एडवाइजर्स, यस दोस्तों ये आपके लिए बहुत लिखने वाली बात है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के एडवाइजर्स ने 2021 में शानदार MDRT का काम किया है। हम शायद कई बार सोचने में डर लगता है, इतना काम उन्होंने कर दिखाया है 2021 में आउट ऑफ इंडिया से। और कौन कौन से देश है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे। मेल ऑर्डर बिजनेस का मतलब है पार्टी इंडिया में नहीं आती, प्रोस्पेक्ट इंडिया में नहीं आता, पूरे का पूरा जो काम है प्रपोजल से लेके मेडिकल से लेके उस देश में होता है, और पॉलिसी जो इंडिया से इश्यू होती है उसको कहा जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। और इसकी अपॉर्चुनिटी आज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज की और बात करते हैं दोस्तों। इससे फ्लोटिंग हाउस NRIs ले रहे हैं इंडिया के बाहर, 50 करोड़, 100 करोड़,
40 करोड़, इस प्रकार के फ्लोटिंग हाउस, इसका मतलब है, इससे आप यह सीखते हैं कि एनआरआईज के पास पैसा तो बहुत है, आपको उन तक पहुंचना है। एनआरआईज हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सरप्लस मनी। 3 करोड़ 21 लोग, 3 करोड़ 21 लाख लोग जो है वो आउट ऑफ इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फिजी, आपको फिगर्स बता रहा हूं, 5 लाख, 3 लाख, 16 लाख, 3 लाख, फ्रांस में 4 लाख, जर्मनी में 2 लाख, गुयाना में 3 लाख, इंडोनेशिया में 1 लाख, इटली में 2 लाख, इतने सारे लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। कतर में 7 लाख, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, सिंगापुर में 6 लाख, साउथ अफ्रीका में 15 लाख, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर अबू धाबी, दुबई आ जाता है, शारजा आ जाता है, वहां 34 लाख इंडियंस हैं। दोस्तों कुवैत 10 लाख, मलेशिया 29 लाख, मॉरिशियस 9 लाख, न्यूजीलैंड 2 लाख, फिलीपींस 1 लाख, यूके, लंदन 17 लाख, यूएसए 44 लाख। बहुत सारे दोस्तों ने यूके, ऑस्ट्रेलिया से पॉलिसियां कंप्लीट की है मेल ऑर्डर बिजनेस से। अब दोस्तों सवाल आता है, व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, और एक पॉलिसी में किस तरह से हमारे साथी ने एमडीआरटी किए हैं, उसके भी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपके मन में ये आता होगा कि आपको एनआरआई भी, सपोज जिसके साथ आपने कभी बात की होगी वो बोलता होगा, यार क्या बात करते हो, डॉलर इज मूविंग अप एंड योर रुपीज इज गोइंग डाउन, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट हियर। आपका डॉलर बढ़ रहा है, उनका डॉलर का जो वैल्यूएशंस है वो बढ़ रही है, सो व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। सो दोस्तों एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए 3 रीजंस है, कौन से रीजंस है लिखिएगा, लिखिएगा दोस्तों। जब भी एनआरआई को आपको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना हो तो कौन से 3 रीजंस पे आपको फोकस करना चाहिए वो लिखिएगा, तैयार है ना, चलिए लिखते हैं। पहला रीजन है दोस्तों इमोशनल रीजंस। दुनिया में जो भी काम होते हैं उसमें इमोशंस बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। सो कम से कम आपको एनआरआई को 3 इमोशनल रीजंस देने हैं जिसकी वजह से एनआरआई इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों, कोई भी आदमी सिर्फ इमोशन से डिसीजन नहीं लेता है, वो लॉजिक अप्लाई करता है। पहला 3 आपको इमोशनल रीजंस देने हैं व्हाई दे शुड इन्वेस्ट, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजंस देने हैं, लॉजिकल रीजंस देने पड़ेंगे क्यों उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से 4 लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजंस, ताकि उसको भविष्य दिख सके, और कौन से 2 फाइनेंशियल रीजंस है। इसका मतलब आपको एनआरआई को जब भी कन्विंस करना हो, 3 रीजंस है, इमोशनल, लॉजिकल एंड फाइनेंशियल। इमोशनल रीजंस 3 है, लॉजिकल रीजंस 3 है, फाइनेंशियल रीजंस 3 है, या आपको यह रीजंस ढूंढ के उसके ऊपर काम करना होगा, तभी आप कभी भी किसी भी एनआरआई को जब बात करते हैं, कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये रीजंस आपको उनको कन्विंस करने में हेल्प करते हैं व्हाई दे शुड इन्वेस्ट विथ यू, राइट। सो कौन से हैं दोस्तों, लॉजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल रीजंस, ये 3 चीजें हैं जिसके वजह से एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज इमोशनल, सेकेंड वन इज लॉजिकल एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। इन 3 ट्राइंगल है, इन 3 को अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपकी विजय अवश्य है। हाँ, अभी यह जो प्रेजेंटेशन मैं आपको यहां पर अभी दिखा रहा हूं, डू यू वॉन्ट दिस प्रेजेंटेशन, आपको इस प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, यही प्रेजेंटेशन जो अभी मैं दिखा रहा हूं मेरे भाई, है ना, अगर यह प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पर आपको मैंने जो व्हाट्सएप बताया है, या अभी चैट कीजिए, चलिए अभी का अभी चैट में आपका मोबाइल नंबर और नाम लिखिए चैट में, भूल में गलत मत लिखना,
अगर भूल में गलत लिख दोगे तो किसी और दोस्त को चला जाएगा। कल आपको इस नंबर पर आने वाला है। आपका मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा और सही मोबाइल नंबर लिखने से आपको दोस्तों हम यह प्रेजेंटेशन भेजने वाले हैं कल। भूल मत कीजिएगा, टाइम है, मैं कुछ चंद सेकंड और दे रहा हूं। कुछ दोस्त क्या करते हैं, जल्दबाजी में नंबर गलत डाल देते हैं, और अगर आप नंबर गलत डाल देंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, तो मैं किसको भेजूंगा? सो मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको यही प्रेजेंटेशन जो यहां पर आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यही प्रेजेंटेशन आप तक दोस्तों आने वाली है। पीडीएफ में आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाएगी। फिर से बताऊंगा, कल दोपहर को आपके मोबाइल पर यह जो प्रेजेंटेशन आज मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यह आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाएगी। सो नंबर जो आप लिखे वो व्हाट्सएप वाला होना चाहिए। नॉन व्हाट्सएप नंबर होगा तो भी आप तक दोस्तों नहीं पहुंच पाएगी, तो बाद में फिर मुझे मत कहिएगा सर आपने भेजी नहीं। प्लीज योर नंबर शुड बी व्हाट्सएप नंबर। ओके, वेरी नाइस, सभी दोस्तों ने लिख लिया है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर भी आप लिख सकते हैं, जिनका बाकी रह गया हो, चैट आपके लिए ओपन है। यू कैन राइट योर नंबर नाउ, बाद में नहीं मिले तो मुझे मत कहना। राइट, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, सही होना चाहिए, और अभी आप डाल सकते हैं। फंटास्टिक दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि सर ऐसी परिस्थिति में क्या ये पॉसिबल है, इतने सारे कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत जगह लॉकडाउन था, अभी भी बहुत जगह वीक के प्रॉब्लम्स हैं, वीकली लॉकडाउन है, ऐसी सब परिस्थिति में क्या ये सब पॉसिबल है? सो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस मामले में आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये आपके साथी है जिन्होंने दुबई, शारजा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लंदन, फिलीपींस, कनाडा से काम किया हुआ है, अहमदाबाद के हमारे साथी हैं। उसके बाद मिस्टर भूषण लीमे, मुंबई के टॉप एडवाइजर्स में आते हैं, ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग आता है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने एक ही वीक में 120 नए लीड्स जनरेट किए एनआरआई बिजनेस के लिए, और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल जी टीओटी हैं, और इन्होंने ऐसे बिजनेस किए हैं, वन पॉलिसी एमडीआरटी, एक एनआरआई पॉलिसी से एमडीआरटी का भी इनका रिकॉर्ड है। भूपेंद्र पटेल जी है, यह उनका सर्टिफिकेट है। मिस्टर आलोक जैगवान, इन्होंने अब तक डबल टीओटी कर चुके हैं, बहुत अच्छा शानदार, और एनआरआई बिजनेस से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेमंत कुमार खत्री, इन्होंने दो क्लाइंट में एमडीआरटी कंप्लीट किया, दो ही एनआरआई पॉलिसी से एमडीआरटी कंप्लीट किया और टीओटी क्वालिफाई किया। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, ये कोई दूर की बात नहीं है, कोविड के समय के ये सब आपके साथी, आपके मित्र है। मिस्टर कृष्णा जोशी जी दिल्ली से है, एक पॉलिसी में एमडीआरटी इन्होंने कंप्लीट किया है, वन पॉलिसी एमडीआरटी एनआरआई बिजनेस से। मिस्टर मिलन मुखोपाध्याय डबल एमडीआरटी हो चुके हैं, 13 लाख का एनआरआई बिजनेस किया, उसके बाद भी एनआरआई बिजनेस किया, इस प्रेजेंटेशन बनने के बाद भी उन्होंने एनआरआई बिजनेस किया, उनको खूब खूब बधाई। प्रभाकर खांडेकर, दो पॉलिसी में एमडीआरटी किया इन्होंने, 28 लाख पॉलिसी एनआरआई बिजनेस किया, मेल ऑर्डर बिजनेस किया, 28 लाख पॉलिसी किया उन्होंने। लता मैडम ने एमडीआरटी किया 15 लाख की पॉलिसी से, अनिल हजारे ने 17 एनआरआई पॉलिसी की, मीता करानी मैडम ने एनआरआई पॉलिसी की, मिस्टर दोंदुपति ने एनआरआई पॉलिसी की यूएसए से और सिंगापुर से, पीनल पाठक मैडम इन्होंने एमडीआरटी कंप्लीट किया और 5 एनआरआई पॉलिसी की 20 लाख के प्रीमियम की, वर्षा मैडम है 3 एनआरआई पॉलिसी की 36 लाख प्रीमियम के थ्रू, मिस्टर विनय पाटिल एनआरआई पॉलिसी की 25 लाख थ्रू मेल ऑर्डर बिजनेस। यस, अब दोस्तों बारी आती है किस तरह से जिन भी दोस्तों ने एनआरआई पॉलिसी, एक एनआरआई पॉलिसी से एमडीआरटी किया, व्हाट वाज द रीजन हाउ दे डिड इट, तो उनकी मेन स्ट्रांग पॉइंट लिखिएगा। कई बार
सबसे पहले जो भी बिजनेस होता है दोस्तों, वो माइंडसेट से होता है, यहां से होता है। इनकी स्ट्रेटेजीज में और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, माइंडसेट। कई बार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि एनआरआई बिजनेस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का पॉलिसी आता है, सो एमडीआरटी कैसे हो सकते हैं। एक पॉलिसी में ऐसे भी हैं साथी जिन्होंने नो डाउट एनआरआई पॉलिसी से नहीं लेकिन टीओटी भी किया हुआ, ऐसे भी दोस्त है एक पॉलिसी से टीओटी किए हुए हैं। लेकिन सब कुछ शुरू होता है यहां से। पहले एक चीज समझिए दोस्तों, आप जब कहीं पर भी, यहां पर कोई भी आदमी ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, सो 10,000, 15,000, 25,000 कमाता है, ठीक है। और जो आउट ऑफ इंडिया वही ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो 70, 80, 90,000 कमाता है। उसी तरह एनआरआई के लिए जो अमाउंट का कन्वर्जन है, करेंसी का कन्वर्जन है, उसका लाभ लिया जाता है। यहां पर जो क्लाइंट आपको 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए प्रीमियम देता है सालाना, उसी कैटेगरी का एनआरआई क्लाइंट आपको 30 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है सालाना। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब भी एनआरआई से बात करें, अभी मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर आ रहा हूं मेरे दोस्त, और यह स्ट्रेटेजी आज आपकी फ्री वाली जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं उनमें से एक है। जब भी आप एनआरआई से बिजनेस की बात करते हैं तो जो प्रीमियम मांगना है आपको, वो उनकी करेंसी में मांगना है। प्रीमियम अगर आप किसी से डॉलर्स में मांगते हैं तो उस प्रीमियम को आप डेली डॉलर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, पर डे इतना डॉलर, पर डे इतना डॉलर। इसका मतलब जो आपको मांगना है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट करके वन डे में मांगना है, और जो मैच्योरिटी दिखानी है, जो फायदा दिखाना है, जो उनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आपको इंडियन करेंसी में मैच्योरिटी और लमसम बताना है। यह स्ट्रेटेजी अगर आपने अप्लाई की तो जो आपका टिकट साइज है वो फास्ट बढ़ेगा। और अगर कैपेसिटी वाले कस्टमर को आपने यह चीज सिखाई, यह बताई, इसके ऊपर डिस्कस किया, इसके ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन दिया, तो आप भी एक पॉलिसी में एमडीआरटी कर सकते हैं। सो पहली चीज माइंडसेट, मांगो इतना कि सामने वाले को नीचे आना पड़े। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही शानदार वीडियो दिया गया है कि कस्टमर से कितना प्रीमियम मांगना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी को अगर आप अप्लाई करते हैं, आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अवश्य देखिएगा, कस्टमर से कितना बड़ा प्रीमियम मांगना चाहिए। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया तो एनआरआई के साथ आप एक पॉलिसी में तो एमडीआरटी बन सकते हैं, इंडिया में भी आप बहुत फास्ट बिजनेस कर सकते हैं। आपका माइंडसेट चेंज होगा वहां से, मांगना है तो कितना मांगना है, राइट। और उसी वजह से जोशी जी का मेरे पास फोन आया था कि सर इस प्रकार का प्रोडक्ट है, इस प्रकार का पॉलिसी देना है और यह दिक्कतें आ रही है। ही टोल्ड मी द थिंग्स, उनका सॉल्यूशन हुआ और एक पॉलिसी में एमडीआरटी बन गए। मिस्टर भूपेंद्र जी से बातचीत चल रही थी, एक पॉलिसी से 28 लाख रुपए का प्रीमियम लेके उन्होंने जब बात की कि सर जस्ट अभी उनसे 28 लाख का प्रीमियम लेके बाहर निकला हूं, आई वॉज सो हैप्पी, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार। एक मिस्टर मनोज जी से जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने बताया, सर आपने जो यह चीज बताई कि कितना बड़ा प्रीमियम मांगना चाहिए, कितना बड़ा प्रीमियम मांगना चाहिए, तो मैंने कस्टमर से जहां पर सोच रहा था कि मैं उनसे 2 से 3 लाख का प्रीमियम की मैं मांग करूंगा, आपकी एक वीडियो देख के मैंने उनको 12 लाख का प्रीमियम कोट किया। जहां पर मैं सोच रहा था 2 लाख से बात करूंगा, 3 लाख से बात करूंगा, वहां पर मैंने 12 लाख का प्रीमियम कोट किया, कस्टमर नीचे आया, 8 लाख पे डील फाइनल हुई।
तो सर अगर मैं आपकी बात पे ध्यान नहीं देता तो शायद मैं 2 से 3 लाख रुपए में खुश हो जाता। आपकी एक चीज, एक आइडिया, एक टिप कमाल कर गई और मेरे लिए 8 लाख का प्रीमियम एक पॉलिसी में आया। सो दोस्तों, यह जो आप 90 मिनट का सेशन देखते हैं, आपके लिए कोई भी एक पॉइंट आपके जिंदगी में चेंज ला सकती है। जो चीज आपको पसंद आई, अगर आपने उस पे इंप्लीमेंट किया, तो एक चीज भी आपके जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो उम्मीद है जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जो जो चीजें बता रहा हूं, आप लिखते होंगे, लिखिएगा जरूर मेरे दोस्त। उसके बाद आते हैं, आपको कैसा लगेगा, हाउ विल यू फील अगर आपको 100 नए एनआरआई प्रोस्पेक्ट्स मिले, हाउ विल यू फील, कैसा लगेगा मेरे दोस्त। 100 नए एनआरआई प्रोस्पेक्ट आपको मिले, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा जब आप मेल ऑर्डर बिजनेस से अपने ऑफिस में बैठे पॉलिसी बेच पाए। आपको कैसा लगेगा कि जब 121 देशों में आज एलआईसी ने एनआरआई बिजनेस खोल दिया है कि आप मेल ऑर्डर बिजनेस कर सकते थे, जो पहले अलाउड नहीं था, पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, आज आपके लिए एलआईसी ने दरवाजे खोले हुए हैं। आपको कैसा लगेगा कि आप पावरफुली 121 देशों में मेल ऑर्डर बिजनेस कर सकते हैं। आपको कैसा लगेगा जब आप एनआरआई से बैठ के बात कर रहे हो और इमोशनल रीजन से, फाइनेंशियल रीजन से और लॉजिकल रीजन से आप उसको कन्विंस कर पाए, उसके माइंड में बैठा पाए व्हाई ही शुड डू द बिजनेस विथ यू, आपको कैसा लगेगा। और जब आपको A to Z एनआरआई बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हो मेरे दोस्त, तो आपको कैसा लगेगा, हाउ विल यू फील। उसके साथ दोस्तों, अगर आप सीरियस है एनआरआई बिजनेस के बारे में, तो अभी ही चैट में लिखिए यस, जस्ट राइट यस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वेरी नाइस, उमा मैडम ने लिखा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वेरी नाइस यस। बहुत सारे दोस्त है ना दोस्त, मैंने कई सारे साथियों को ऐसे देखा, खाली सोचते रहते हैं, खाली सोचते रहते हैं, खाली सोचते रहते हैं। एक चीज लिख के रख लीजिएगा, आज का एक और टिप देके जाता हूं, जिंदगी में सोचना तो जरूरी है, सोचने से तो कुछ होता है लेकिन कुछ करने से कुछ होता है। जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ सोच से जिंदगी नहीं बदल सकती, सोचने के बाद कुछ करने से जिंदगी बदलती है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, सोचने से, ऐसा नहीं कि सोचने से काम नहीं होता, सोचने के बाद कुछ करने से जिंदगी में बदलाव आता है। अहमदाबाद के भास्कर पटेल TOT एडवाइजर है, पिछले 5 साल से TOT कर रहे हैं, फैंटास्टिक एनआरआई बिजनेस कर रहे हैं, फैंटास्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 5 साल से, मैं जब LIC में था तब से उन बातचीत होती रहती है, और लास्ट हमारे 2 कोर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, एंड ही इज फोकसिंग ऑन एनआरआई बिजनेस और बड़ी पॉलिसी। छोटी पॉलिसी का कोई बात नहीं होता, सिर्फ बड़ी पॉलिसी, कुछ करने से कुछ होता है। बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अरे यार मैं उसको देखता था, मेरे साथ ही एजेंसी ली थी, ऐसे ही था, आज COT कर रहा है, आज MDRT कर रहा है, आज TOT कर रहा है। फर्क यह है दोस्त, आप सिर्फ सोचते रहे, उसने कुछ किया। रिजल्ट कुछ करने से होता है, सोचने से नहीं होता। सोच बहुत जरूरी है, सोच डायरेक्शन देती है। आप मैप बनाते हैं, राइट, यहां से मुझे मुंबई जाना है, मैप बनाते हैं, यहां से आपको कहां जाना है, आप मैप बनाते हैं, लेकिन लेकिन उस मैप पे जब तक चलते नहीं हैं, तब तक आप कहीं पहुंचते नहीं है, है ना। आप गूगल मैप में कोई भी जगह डालते हैं, भले आपसे 1 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, आपको गूगल मैप पूरा रास्ता बताता है, यहां से आगे जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, सीधे जाना, ब्रिज चढ़ना, ब्रिज उतरना, राइट। लेकिन जब तक
आप डिसीशन नहीं लेते जब तक आप उस पर चलते नहीं है, पहली गियर में गाड़ी नहीं डालते, दूसरे में नहीं डालते, तीसरे में नहीं डालते, चौथे में नहीं डालते, पांचवे में नहीं डालते, या अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो डी ड्राइव में भी अगर गाड़ी को नहीं डालते तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? अरे यार ये तो अभी नया नया आया था, MDRT कर रहा है, COT कर रहा है, TOT कर गया, अरे यार ये तो अभी मेरे सामने ही आया था। इसका मतलब उन्होंने सुना, इन्वेस्ट किया, काम किया, हिम्मत दिखाई, रिस्क ली, नए रास्ते ढूंढे, नए रास्ते पर चले, नए रास्तों पर काम किया, तभी आज वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस की फार्मूला में सोचना आता है, प्लानिंग आती है, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन आता है, टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते, पता है क्यों? अरे गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं एक ही चीज बोलता हूं, टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। देर आर नो राइट डिसीजन, देर आर नो रॉन्ग डिसीजन। जिंदगी में कभी भी कोई भी डिसीजन ना सही होता है ना गलत होता है, लेने वाला उसको सही और गलत साबित करता है। डिसीजन सिर्फ डिसीजन होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अभी। फैंटास्टिक, बहुत सारे साथियों को मजा आ रहा है। सो आर यू एंजॉइंग माय फ्रेंड्स, आर यू एंजॉइंग द सेशन? राइट, सो आर यू सीरियस अबाउट योर NRI बिजनेस? जिसने भी जवाब दिया उन सबको मैं बधाई दूंगा, जिन्होंने भी जवाब दिया, यू आर सीरियस अबाउट योर NRI बिजनेस। हाउ मच यू अर्न बाय सेलिंग NRI पॉलिसी? एक बार सोच के देखिए, अगर आप 5 लाख का प्रीमियम भी एक पॉलिसी में बेचते हैं, एक पॉलिसी में 15 लाख का प्रीमियम बेचते हैं, एक पॉलिसी में 50 लाख का प्रीमियम बेचते हैं, या एक पॉलिसी में मामूली 5 लाख का प्रीमियम भी अगर आप NRI की पॉलिसी में बेचते हैं, कन्विंस करते हैं, तो आप कितना कमाते हैं? अपने मन में लिखिए, आपकी डायरी में लिखिए, मुझे मत बताइए, चैट में भी डाल सकते हैं। अगर आप 5 लाख की एक पॉलिसी बेचते हैं, पूरे साल की बात कर रहा हूं दोस्त, पूरे साल की बात कर रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपने एक NRI की पॉलिसी से 5 लाख का प्रीमियम एक्स्ट्रा किया, व्हाट वुड बी योर इनकम? और दो पॉलिसी कर दी, 5-5 लाख की, 10 लाख की, 3.5 लाख रुपए का आपका इनकम बढ़ जाता है। फोकस, इस सेगमेंट को छोड़िएगा नहीं। आज तक आपने छोड़ा है, इस सेगमेंट को छोड़िएगा नहीं दोस्त। अपने आप में अपने बदलाव लाइए। आपका जो माइंड सेट है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। कोट की कीमत ज्यादा नहीं होती, टी शर्ट की कीमत ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा कीमत होती है इसकी। कई बार हम कोट पे ज्यादा खर्च कर लेते हैं, टी शर्ट पे ज्यादा खर्च कर लेते हैं, दिमाग को खाली रखते हैं, वेयर एज दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत इस चीज की होती है। इसी को सबसे ज्यादा फलद्रुप बनाना चाहिए, ताकि सही डिसीजन ले सके, और अगर डिसीजन ले सके तो उसको सही बना सके। That's why it's important to understand the opportunity for you. आपके लिए एक जबरदस्त opportunity है, बस इसको ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। अभी एक और मैं strategy आपको देने वाला हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। NRI का बैठे बैठे अगर आप ईमेल से बिजनेस कर पाए, आपको कैसा लगेगा? और अगर आज आपने इस opportunity को छोड़ दिया तो कैसा लगेगा? क्या आपके अंदर दुनिया में जीतने की जिज्ञासा है? क्या आपके अंदर कुछ नया करने की तमन्ना है? कुछ अच्छा करने की, अपने बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करने की, नए लोगों को मिलने की? भले कोविड है, फिर भी दोस्त कोविड में लोगों ने जबरदस्त काम किया। कोविड में ही 19,000 लोगों ने MDRT किया है, सिर्फ एक LIC संस्था से, बाकी सब संस्था से भी लोग MDRT बने हैं। जिसने सोचा मैं कुछ नया करूंगा, जिसने कुछ करने की ठान ली, उसने कर दिखाया। और जो सिर्फ सोचते रह गए, अरे मेरे साथ का था वो, भाई तू इधर ही बैठ, उधर ही बैठा है। सो दुनिया में कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं दुनिया में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। नाउ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो एक सवाल आपके लिए, आपके मन में रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है? या जो भी चीजें, जो भी जानकारी, जो भी साथियों ने डिसीशंस लिए, उन्होंने कुछ कर दिखाया? और एक बार सोचिएगा,
अगर एनआरआई सेगमेंट को आपने आज तक छोड़ दिया और अगर फिर से छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेगमेंट आपके लिए बैठा रहेगा। कोई ना कोई एडवाइजर उनको टच करेगा, आपके सेगमेंट में भी दूसरे एडवाइजर आके बिजनेस करके जाएंगे। तो क्या आप इस एनआरआई सेगमेंट को अपने साथियों के हवाले छोड़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर आपके क्लाइंट सेगमेंट में आके बिजनेस करके जाएं और आपको बाद में पता चले? नहीं ना। इसके लिए दोस्तों हमारा एनआरआई कोर्स आ रहा है जिसके अंदर 7 चीजें आपको दी जाएगी, 7 थिंग्स। उसको एक बार बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन सी 7 चीजें हैं जो आपको एनआरआई बिजनेस करवाने में हेल्प करेगी, आप भी दूसरों की तरह हमारे पहले के साथियों की तरह जबरदस्त एनआरआई बिजनेस कर सकते हैं। इस एनआरआई कोर्स सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए सेशन में बैठे हुए उनके लिए नहीं है। वो अभी भी भविष्य में भी देखते रहेंगे, अरे इसने ये कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, बस वो देखते ही रहेंगे। कुछ करने से कुछ होता है। सो कैसे करें दोस्तों? इस ट्रेनिंग में एक सॉफ्ट मटेरियल दिया जाता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन जो ट्रेनिंग में दी जाती है वो अलग होती है, जो आज आपको फ्री में दी जाएगी वो अलग है। ट्रेनिंग में पूरी प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसके अंदर लॉजिकल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, ये सब रीजंस शेयर किए जाते हैं। एनआरआई के लिए सभी फॉर्म्स दिए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, कब लगते हैं, किसके थ्रू लगते हैं, कौन कौन सी कंट्री में लगते हैं। प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर सॉफ्ट कॉपी दी जाती है कि एनआरआई का प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर कैसे बनाना चाहिए। एनआरआई बिजनेस का सॉफ्टवेयर दिया जाता है अंडरराइटिंग का। कई बार आपको पता नहीं चलता इस देश में क्या मिल सकता है, कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। सो उसके अंदर दोस्तों एनआरआई का सॉफ्टवेयर एक्सेल फॉर्मेट में आपको दिया जाता है ताकि आप अंडरराइटिंग सबसे पहले कर पाए। उसके साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है एनआरआई का, आप सर्टिफाइड हो, एनआरआई बिजनेस सीख चुके हो, ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाती है 15 दिन के लिए, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। 15 दिन तक आप उस पूरे कोर्स को फिर से फिर से फिर से 1000 बार देख सकते हैं 15 दिन के अंदर। टॉपिक्स कौन से लिए जाते हैं? गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनआरआई बिजनेस, एनआरआई कौन है, एफएनआईओ कौन है, ओसीआई कौन है, एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग की नई नई टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है, हाउ टू गेट जीएसटी एग्जम्पशन, एनआरआई को जीएसटी एग्जम्पशन मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, यह उसको फायदा क्या और कैसे मिलेगा, मेल ऑर्डर बिजनेस जीरो से एंड तक, जीरो से एंड तक एनआरआई बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस आप कहीं पर भी नहीं जाओ कैसे कर सकते हैं वो इसके अंदर सिखाया जाता है। एनआरआई को इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो 3 रीजंस मैंने आपको बताया, लॉजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, उनको डिटेल में सिखाया जाता है ये 3 रीजंस। एनआरआई बैंकिंग में एनआरओ अकाउंट से कब चेक लेना चाहिए, एनआरई अकाउंट से कब चेक लेना चाहिए, एफसीएनआर से कब चेक लेना चाहिए, यह उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। एनआरआई का अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर दिया जाता है, एनआरआई की क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि जब कस्टमर आपसे पूछता है क्लेम कैसे मिलेगा तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। एनआरआई के टैक्सेशन किस तरह से होते हैं, एनआरआई का बिजनेस प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जा सकता है, कौन से 121 देश हैं जिसमें एनआरआई का बिजनेस आप बहुत सहजता से बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और एनआरआई की ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज। दोस्तों ये टॉपिक्स जो है 15 टॉपिक्स जो है, नाउ और नेवर अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, नाउ और नेवर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये 15 टॉपिक्स इस कोर्स में कवरअप किए जाते हैं। दोस्तों 9 फरवरी से 4 दिन का ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, तारीख में थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत ही जल्द यह शुरू होने जा रहा है, इसको आपको मिस नहीं करना है। जस्ट नेक्स्ट 7 तारीख से इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, 7th बैच है, 15 ये टॉपिक्स है, आपको डिटेल्स जो है आ जाने वाला है। और दोस्तों 7 to 9 इसका टाइमिंग है, 7 to 9, 7 to 9, 7 to 9, शाम को पूरा ऑफिस का काम निपटाने के बाद 7 से 9 आपका लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम, लर्निंग टाइम। 15 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, 15 प्रोजेक्ट 15 टॉपिक्स के साथ, 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, 15 पूरे टॉपिक्स डिटेल में, 2 प्रोजेक्ट, 5 केस स्टडी, 15 प्रोजेक्ट
नहीं, 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट और 5 केस स्टडी के साथ यह कोर्स होने वाला है। एनआरआई एंड राइटिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, एनआरआई का सपोर्ट मिलेगा और 15 दिन तक आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। दोस्तों आप सोचते होंगे क्या बात करते हो, इतना सब मिलेगा? आज आप एक पिक्चर देखने जाते हो, 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं साथियों। आप एक परिवार के साथ पिक्चर देखने जाते हो, 2,000 रुपए खर्च होते हैं। उसी परिवार के साथ बाद में अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो, 2,500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आप टीवी पिक्चर देखते हो, थिएटर में जाके पिक्चर देखा और खाना खाया, तो 3 से 5 हजार का खर्चा आ जाता है। लेकिन आप कमाते क्या है उसमें से? लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, एनआरआई की एक पॉलिसी अगर आपने 5 लाख के प्रीमियम की बेची, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है, कितनी ज्यादा इनकम आप कमा सकते हैं। और यह अपॉर्चुनिटी का जो कॉस्ट है सिर्फ 25,000। इस कॉस्ट को आप कॉस्ट मत मानिएगा, इस कोर्स का जो प्राइस है 25,000 है। ना नहीं 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 नहीं, इस कोर्स के लिए आपको खास अपॉर्चुनिटी दी जाती है दोस्तों। आज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए 3,700 जस्ट नाउ। आप एक बार सोचिए, 5 लाख की पॉलिसी, 3 लाख की पॉलिसी, 2 लाख की पॉलिसी, इवन 1 लाख का भी अगर आपने प्रीमियम बेचा, तो 35,000 आपकी इनकम है। और अगर एक पॉलिसी से आपने MDRT कर लिया, तो 7 लाख रुपए आप सिर्फ एक पॉलिसी से कमा सकते हैं। और उसको सीखने के लिए, NRI बिजनेस की डिटेल्स को, नीटी गिटी को, A to Z सीखने के लिए आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी दोस्तों, सिर्फ 3,700 जस्ट नाउ टुडे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक पेमेंट से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। हमारे इन 2 नंबर्स पे अगर आप अभी NRI लिख के भेजेंगे, तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बैंक डिटेल आ जाएगी। और जो साथी अपनी सीट अभी के अभी बुक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लिमिटेड कोर्स है, सभी लोग नहीं आ सकते, इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जो साथी अभी के अभी इसको बुक करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से इन नंबर पर आप बुक कर सकते हैं जस्ट नाउ। और यह ऑफर जो है दोस्तों आज के लिए है 3,700 की। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 दिन के बाद कॉल करें और हम कहें कि सीट फुल हो गई। सो आज तकरीबन 27 लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, 27 लोगों का बुकिंग आज हो पाएगा, बाकी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आप में से जो भी साथियों को जो भी क्वेश्चन हो चैट में डाल सकते हैं, मैं आपकी चैट देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं। बिंदु मैडम ने बोला है उनको करना है, फैंटास्टिक, मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। ओके फैंटास्टिक, धनानाथ सिद्ध का हो गया, फैंटास्टिक। ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन जूम के ऊपर ट्रेनिंग रहेगा, 15 दिन तक आप इसको देख सकते हैं, फैंटास्टिक। क्रेडिट कार्ड से जिनको पेमेंट करना है वो इन नंबर्स पे गूगल पे का ये नंबर है दोस्तों, गूगल पे का ये नंबर है, उसको आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, गूगल पे का यही नंबर है। फैंटास्टिक, श्याम जी का कॉल आ गया, राइट, वेरी नाइस। दोस्तों के जस्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं आपकी बुक, ओके फैंटास्टिक, वेरी गुड, इंटरेस्टेड, वेरी नाइस। क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, विपुल मेहता जी इंटरेस्टेड, वेरी नाइस दोस्तों, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। जस्ट मैं आपके ये भी देख रहा हूं और आपके यहां से मैसेजेस भी देख रहा हूं। पेमेंट डेट 9 फरवरी से है दोस्तों, 9 फरवरी से शुरू हो रहा है ये आपके लिए। बुक का प्राइस 850 है, बुक का टाइम 850 है। जिनको बुक चाहिए बुक भी ले सकते हैं। CFP का कोर्स अभी शुरू हो चुका है, नेक्स्ट जो कोर्स होगा CFP का वो दोस्तों अप्रैल या मई में होगा। जयप्रकाश जी इंटरेस्टेड है, ओके। क्रेडिट कार्ड का लिंक दोस्तों आपको ऑफिस में से भेजा जाएगा, जो मैंने 2 नंबर आपको दिए थे उस पर आपको देखना है। फैंटास्टिक, बिल्कुल बिल्कुल, यस अमाउंट फैंटास्टिक, जिन्होंने ये भेज दिया उनको धन्यवाद। 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आरके जैन ने पेमेंट कर दिया, 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 7 से 9।
नेक्स्ट बैच इसका जो होगा अप्रैल या मई में होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जिनको जिनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है वो इन दो नंबर पर एनआरआई लिख के भेज दे, हो जाएगा। हिंदी में ये रहेगा कोर्स। बुक के लिए भी जिनको बुक चाहिए इन दो नंबर पर बुक लिख के भेज दे, आ जाएगा। एनआरआई लिख के भेजेंगे तो एनआरआई का डिटेल भी आ जाएगा दोस्तों। ये दो नंबर है आपके लिए, जिनको बुक चाहिए वो बुक लिखेंगे, जिनको एनआरआई के लिए कोर्स करना है वो एनआरआई लिखेंगे, जिनको जीपे फोन पे और पेटीएम करना है वो ये दो नंबर से कर सकते हैं। वेरी नाइस, जिनको बुक चाहिए बुक लिख सकते हैं। यह दोस्तों ठीक है, प्रमोद जी पेमेंट करने वाले हैं, वेरी नाइस। ओके फैंटास्टिक, ये नंबर्स आप लिख के रखिएगा दोस्तों फटाफट। ये दो नंबर ऑफिस के हैं, जो भी चैट कर रहे हैं जिनको बुक चाहिए वो भी इनको यहां पर लिखना है। हाउ टू पे, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, फोन पे। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग जो है दोस्तों, यह ट्रेनिंग 9 फरवरी से आपके लिए शुरू होने जा रहा है, 7 से 9, 7 to 9, 9, 10, 11, 12 होगा। 4 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, शाम को 7 से 9 का ट्रेनिंग रहेगा। पूरा डिटेल आपको इसके अंदर दिया जाएगा, फॉर्म्स दिए जाएंगे, यस पूरे फॉर्म्स दिए जाएंगे, पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और हर एक चीज आपको क्लियर की जाएगी। अगर आपके एनआरआई के क्लाइंट्स नहीं है तो उसको कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, किससे मांगना है। नो, ओनली ओनली इन हिंदी। यह कोर्स जो है दोस्तों हिंदी में लिया जाएगा, द कोर्स वुड बी इन हिंदी मिस्टर रेड्डी, इट वॉन्ट बी इन तेलुगु। सो फॉर दैट आई हैव टू लर्न द तेलुगु एंड तमिल टू, राइट। एट प्रेजेंट द कोर्स इज इन हिंदी and afterwards if there is a batch in English so you will definitely be informed, right? So dosto jin bhi dosto ne booking kar li hai aur jinko details chahiye NRI course ko, jinko book karna hai abhi ka abhi is do number pe NRI likh ke bhej de, aur jinko abhi ka abhi booking karna hai wo is number par Google Pay, phone pay, paytm kar sakte hain। गूगल पे फोन पे पेटीएम इस नंबर पर कर सकते हैं 9825567752, और उसके साथ पेमेंट के साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिएगा। ये गुजारिश है जिन दोस्तों ने जीपे फोन पे पेटीएम से पे किया हो 9825567752 पे, वो स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें, और जिनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या बैंक पेमेंट से करना है वो इन दो नंबर पर एनआरआई लिख के भेजने से आपको एनआरआई की डिटेल आएगी। और सिर्फ बुक लिख के भेजेंगे दोस्तों तो आपको बुक की डिटेल्स आ जाएगी। द पर्सन दोज हु आर, जस्ट अ मिनट, किसी ने क्वेरी भेजा है, एक मिनट दोस्तों, चैट नीचे जा रहा है, बहुत सारे लोगों का चैट एक साथ आ रहा है। Those person who equated the company living to living in India, so they will be called as a, no, dost, Mr. Atul Gautam, the people who are working for the outside of India company and they are living in India, NRI matlab jo India ke bahar reh raha hai, bahar reh raha hai, resident, non-resident, iska matlab India ke bahar reh raha hai, usko NRI bolenge, jo India pe reh raha hai, usko NRI nahi bolenge, yes, Atul Gautam. फीस जो है दोस्तों, हार्दिक शाह जी, इसका 3700 फीस है, वो आज का अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 3700 फीस है, आप ये दो नंबर पर डिटेल मंगवा सकते हैं, और अगर आपको गूगल पे फोन पे या पेटीएम से आपको पे करना है तो उसके लिए यह नंबर आपके लिए है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। माधव जी ने पेमेंट कर दिया, फैंटास्टिक। जिनको बाद में पे करना है, बैंक से पे करना है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वो ये नंबर अवश्य लिखे।
वैशाली जी, आपने बोला एनआरआई के कांटेक्ट नहीं है, वही इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास एनआरआई के कांटेक्ट नहीं है तो किस तरह से एनआरआई के कांटेक्ट लेने चाहिए। अच्छा, एनआरआई का कोर्स करने के लिए एनआरआई को इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितने भी हमारे एनआरआई भाई बंधु होते हैं वो हिंदी में समझते हैं, गुजराती में समझते हैं, उसमें सिर्फ इंग्लिश बोलनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, पवन कुमार अग्रवाल ने गूगल पे से पे कर दिया, धन्यवाद। अगर आपके पास एनआरआई के कॉन्टेक्ट नहीं है तो उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको शुरुआत करनी है, वो उसकी दोस्तों पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। अच्छा माधव जी, जो आपको बुक भेजा जाएगा वो स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट से 100 कंसेप्ट बुक जो है वो स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। लास्ट एक मिनट है, फीस इज 3,700 हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में जिसका बर्थ हुआ है उसको भी इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। गुलशन सोनी जी आइए, बुक का प्राइस 850। एनआरआई का जो कॉन्टेक्ट्स है दोस्तों, एनआरआई के कॉन्टेक्ट्स, उसका प्रोस्पेक्टिंग, ऑर्गेनिक प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। प्रतीक सिंह राजपूत, आपका ये कोर्स बहुत शानदार है सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत बढ़िया। मोबाइल नंबर यहां पर दोस्तों दिए गए हैं आपको, हमारे ऑफिस के, ये ऑफिस के नंबर आपके पास है, आपके कल कॉन्टेक्ट किया जाएगा सभी को। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हो जाता है तो भी उसको मिलेगा। ओके, आपको सभी ये 15 के 15 टॉपिक भेजे जाएंगे। सो इन दो नंबर पर आपको एनआरआई लिख के भेजना है दोस्तों, 15 के 15 टॉपिक आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो अब हम दोस्तों आपसे आज्ञा चाहेंगे। जीपे योगेश कुमार का हो गया, जिन भी दोस्तों ने गूगल पे से पेमेंट किया है उन सभी से दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जिस नंबर पर आपने गूगल पे किया है उसको स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिएगा। गूगल पे का जो नंबर है वो ये है आपके लिए, लास्ट बार दिखा देता हूं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के लिए आपका ये नंबर है 9825567752। और जो लोग फोन पे जीपे या पेटीएम नहीं कर पाएंगे, जो लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं और पूरे 15 टॉपिक्स चाहिए, क्या क्या डिटेल्स और पैम्फलेट चाहिए, तो दोस्तों इन दो नंबर पर आप एनआरआई लिख के भेजिएगा, आपको पूरी डिटेल्स 15 टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, अपना काम करते रहे, शानदार आपका भी नाम हो, आपकी भी इनकम बढ़े, जो मंजिलें आपने सोची है वो सब मंजिलों तक आप पहुंच पाए, आप अनस्टॉपेबल बिजनेस करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं 9 फरवरी को शाम को 7 से 9 एनआरआई बिजनेस सीख के उसमें बहुत ही अच्छी इनकम बढ़ाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, 9 फरवरी शाम को 7 से 9। धन्यवाद।